पहले इन दोनों को हम कनेक्ट कर लेते हैं। इसके मास्टर आउटपुट से लेना है, इस लाइव साउंड मिक्सर के स्टीरियो इनपुट जो है उसके साथ हमें कनेक्ट कर देना है, ताकि एक फेडर में हम इसको फिर आउट कर पाएं मास्टर को। अभी ये दोनों पहले कनेक्ट हो चुके हैं। सो यहाँ पे हमने एक माइक्रोफोन अटैच कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ये इनपुट यहाँ पे शो कर रहा है। सो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा मास्टर में भी आ रहा है। तो आप देख सकते हैं हम जो यहाँ पे ऑडियो बोल रहे हैं वो यहाँ पे भी शो कर रहा है और यहाँ पे भी ये शो कर रहा है। सो अभी ये तो था इन दोनों का कनेक्शन और ऑक्सिलरी हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको ऑक्सिलरी में भी अलग अलग पार्ट में इसको चाहिए। सोचिए इसके कुछ चैनल और इसके कुछ चैनल आपको एक साथ चाहिए, अब ये चैनल्स और ये चैनल्स आपको एक साथ चाहिए, तो उस कंडीशन में आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। सोचिए आपने दो मॉनिटर लगाया हुआ है, एक मॉनिटर में आपका जो ऑक्सिलरी वन है वो यहाँ तक ले और यहाँ तक, इन दोनों का कंबाइन करके आउटपुट हो, और दूसरा स्टेज में आप इसका और इसका इन दोनों का मिला के भी दूसरे में भी आउटपुट लेना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले कहा था इस लाइव साउंड मिक्सर का जो ऑक्सिलरी पार्ट है इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसको एड ऑन्स के लिए छोड़ रहे हैं, और इसका जो इंसर्ट है इसको हम एड ऑन्स के लिए यूज़ करेंगे। अभी इन दोनों को हमें कैसे कनेक्ट करना है, सो पहले मैं यहाँ पे इसका ऑक्सिलरी को बंद कर देता हूँ, अभी हम इस चैनल को ऑक्सिलरी में नहीं डाल रहे हैं। और देन हमें चाहिए दोनों साइड का TS टू TS केबल, ये एक मैंने ले लिया और यहाँ पे मैंने दूसरा वाला भी ले लिया। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ग्रुप में चार अलग अलग फेडर मिल रहे हैं, आप अलग अलग भी भेज सकते हैं सिग्नल। सो हमें इस केबल को कनेक्ट करना है ग्रुप वन, और दूसरे साइड को हमें कनेक्ट करना है यहाँ पे जो मोनो चैनल है इनमें से कोई भी दो हम ले लेते हैं मॉनिटरिंग के लिए, यहाँ पे हमने डाल दिया। यहाँ पे और एक केबल में हम ले लेते हैं ग्रुप टू से, और यहाँ पे दूसरा एक चैनल में। अभी भी आपके पास दो स्टीरियो चैनल है और यहाँ पे आपका आठ मोनो चैनल्स है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी इस मिक्सर में आपको बिल्कुल फ्री स्पेस पड़ा हुआ है, आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इस माइक्रोफोन को ऑक्सिलरी वन और ऑक्सिलरी टू दोनों में सुनने वाले हैं, तो पहले हम कनेक्ट कर लेते हैं। वन का अभी हमने कनेक्ट किया हुआ है और मिक्सर में इसमें बस आउटपुट किया हुआ है, और यहाँ पे कुछ भी अपने आउटपुट हमने नहीं लिया है, और इसको भी हमने बंद कर दिया है। अभी चेक चेक चेक, अभी हम ग्रुप वन खोलते हैं, चेक चेक। यहाँ पे आपको ग्रुप का भी स्विच देखने को मिलेगा, तो उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर दीजिएगा, नहीं तो वो ग्रुप में आउटपुट के लिए रेडी नहीं होगा। अभी हमने ये केबल को कनेक्ट किया है और यहाँ पे है, अभी हम इसका PFL चेक कर लेते हैं। आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे आपका ये वाला सिग्नल आ रहा है। अभी ये जो इनपुट है इसको मैंने टोटली बंद कर दिया है, अभी हम इस फेडर को उठाते हैं ऊपर, चेक 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 चेक। हमें अभी फेडर को भी उठाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम ऑक्सिलरी को खोलेंगे, चेक 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 चेक। हेलो, अभी आप नोटिस कर सकते हैं अभी हमने फेडर नहीं उठाया है, ये प्री फेड ऑक्सिलरी है, चेक चेक चेक। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं जैसे ही मैं इसको बंद करता हूँ ये ऑडियो बंद हो रहा है, और जैसे ही मैं ऑक्सिलरी को खोल रहा हूँ और यहाँ से आउटपुट हो रहा है। अभी हम सेम दूसरे ऑक्सिलरी का भी चेक कर लेते हैं, तो दूसरे में देखने से पहले हमें पहले इसको टू में लगाना पड़ेगा, सो मुझे थोड़ा एम्पलीफायर का वॉल्यूम भी कम करना है, और अभी हमने टू में इसको ऐड कर लिया, चे 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 चे। अभी ये टू में से आउटपुट हो रहा है, अभी एक सेकेंड, अभी मैं पहले वाला बंद कर देता हूँ। अभी आप नोटिस कर सकते हैं ये टू का शायद ओपन्ड है, हाँ ये ओपन्ड है, अभी मैंने जब इसको बंद किया तो ये बंद हो रहा है, ये बंद हो रहा है, और जैसे ही मैं इसको खोल रहा हूँ यहाँ से ये ऑडियो आ रहा है,
मैं इसको लेवलियर माइक्रोफोन को स्पीकर के पास देता हूँ। अभी जो ऑडियो सुन रहे हैं ये आपका जो ऑक्सिलरी टू है, मतलब आप टू से जो आउटपुट लेंगे। अभी हम इन दोनों का रूटिंग जान लेते हैं। अगर हमें इतना तक और इतना तक वन में निकालना है तो उसके लिए आपको जितना चैनल तक आपको चाहिए उन चैनल्स को आप यहाँ पे ग्रुप वन टू जो है वो बटन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो बटन है यहाँ पे ये वन और टू दोनों एक साथ सिलेक्ट करता है, तो इसलिए हम यहाँ पे जो दूसरा स्लॉट है इसको हम चेंज करके थ्री या फिर फोर में देंगे ताकि हम यहाँ पे जो रूटिंग है इसको सिलेक्ट कर पाएँ। ओके अभी मैंने इसका जो आउट है ऑक्सिलरी के लिए ग्रुप थ्री में से डाला है और ये वन में से है। मीन्स यहाँ पे अगर आप वन टू सिलेक्ट करते हैं तो इसमें से आपका वो चैनल आउटपुट होगा, लेकिन अगर आपने थ्री फोर सिलेक्ट नहीं किया तो इसमें से वो आउटपुट नहीं होगा। वैसे ही अगर आप इतना चैनल तक या फिर कोई भी चैनल आप वन में डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ग्रुप का जो ऑप्शन है वन टू सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इसमें डालना चाहते हैं तो थ्री फोर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो ये आपका अपने चॉइस के हिसाब से आपको वहाँ पे ये जा रहा है मॉनिटर के लिए। अभी जैसे ही यहाँ पे वो इनपुट हो गया आपने जो भी सिलेक्ट किया हुआ था, सोचिए इनमें से जो पांच अलग अलग आपने चॉइस किए जिसको आपने वन में से निकाला है, अभी इनमें से कोई भी चैनल को आपको उसी के साथ आउटपुट कराना है तो ये वाला चैनल आपका ऑक्सिलरी को सेंड करने के लिए यहाँ पे इनपुट किया है, अभी यहाँ पे सेंड करेगा। अभी इसके साथ आप यहाँ से मिक्स कर सकते हैं। सोचिए ये जो है ये आपका वन है, इसमें से आपने कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है और उसमें आपको इस चैनल का और इस चैनल का, इन तीनों चैनल को ऐड करना है, तो उस कंडीशन में आप अगर चाहें वन या फिर टू में डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इसका भी वन का खोले हुए हैं, इसका भी वन और इसका भी वन, देन आपने यहाँ पे जो सिलेक्ट किया था और यहाँ पे जो सिलेक्ट किया वो वन में से ही आउटपुट होगा। अभी सेम केस है अगर आपने थ्री फोर में यहाँ पे बटन दबाया हुआ है और थ्री फोर के लिए आपने यहाँ पे भेजा है, देन उस कंडीशन में आपका यहाँ पे ये आया है और आप इसको टू में अगर निकालना चाहते हैं तो टू में भी आप कर सकते हैं। टू में से आपने आउटपुट लिया और यहाँ पे जो भी अलग अलग फिर चैनल है उनको आउटपुट कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं। और इसमें आप एक्स्ट्रा एक चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। सोचिए इनमें से कोई भी एक चैनल है जो आपका वन एंड टू में है और दूसरा थ्री एंड फोर में है, और थ्री एंड फोर में अगर आप चाहें तो वन एंड टू का कोई भी एक इनपुट को ऐड करके फिर मॉनिटर में से भी आउटपुट करा सकते हैं। और यहाँ से भी आप अगर चाहें यहाँ पे भी जो पॉइंट्स है जिसको आपने वन में से आउटपुट किया हुआ है, वन में से आउटपुट किया हुआ है उसी टाइम में भी आप टू सिलेक्ट करके टू में से भी उसको आउटपुट करा सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। आपको जो भी आपका जो म्यूजिशियंस हैं सिंगर्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी आप अगर अलग से इसका एक मॉनिटरिंग लेना चाहते हैं तो आपका जो और दो है उन दोनों में से भी आप आउटपुट करा सकते हैं मॉनिटरिंग के लिए। और इसका अगर आप सेपरेटली कराना चाहते हैं तो थ्री का जो आपका ऑक्सिलरी है यहाँ पे थ्री सिलेक्ट करके कोई भी चैनल्स को आप अलग से भी भेज सकते हैं। सो इस तरह से अगर आप कनेक्ट करते हैं तो इजीली आप इस तरह से एक्सेस कर पाएंगे। आपने जो भी इनपुट पहले डाला है अभी उसको पहले आपको आउटपुट कराना है कोई भी एक स्टीरियो चैनल में पहले, और आप सडनली आपको मास्टर आउटपुट मिल जाएगा, उसके बाद आपको ऑक्सिलरी भी मिल जाएगा लेकिन वो सेपरेट नहीं होगा। जो भी टोटल चैनल मास्टर के सिलेक्ट किए हुए हैं मास्टर का आ रहा है अभी उसी चैनल को आप ऑक्सिलरी के लिए भेज सकते हैं, इनको भी उसके साथ मिला सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ से दो ग्रुप के अलग अलग लेते हैं, जैसे यहाँ पे बटन वन एंड टू सिलेक्टेड है तो हम वन एंड टू का वन ले रहे हैं, थ्री एंड फोर का थ्री ले रहे हैं, तो इन दोनों में से हम लेने के टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा पार्ट को किस में हमें भेजना है, इसमें या फिर इसमें। अभी जैसे ही ये इन दोनों चैनल में आ गया आप सिलेक्ट कर लीजिए ये वाला चैनल आप कहाँ पे भेजना चाहते हैं, वन में या फिर टू में, आप वहाँ पे भेज सकते हैं। अभी ये दो चैनल है इनमें आप इनमें से कौन सा
उसके साथ ऐड करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में भी उस हिसाब से भी आप ऐड कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक कन्फ्यूज़न रहता है जब दो लाइव साउंड मिक्सर को एक साथ ऐड करते हैं, तो काफ़ी सारा क्वेश्चंस मुझे भी बहुत बार पूछा गया है कि इन दोनों को वैसे हम कनेक्ट तो कर लेते हैं इजीली, लेकिन इसका मॉनिटरिंग और इसका रूटिंग हम कैसे करें। तो ये एक कन्फ्यूज़न था। सो मैं आशा करता हूँ आप जो भी मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया उस माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि इन दोनों को आप कैसे पहले जोड़ें और मॉनिटरिंग के लिए फिर कैसे अलग अलग आप सिस्टम्स अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ बहुत सारे और भी फीचर्स हैं जो हम आगे सीखने वाले हैं। अगर आपका रिक्वायरमेंट रहा कि इसको ऐड करने के बाद इफ़ेक्ट्स कैसे लाएं और टोटली एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी हम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक्चुअली अभी लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारा प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो शूट करने के दौरान, तो इसको मैंने घर पे ही शूट करने की कोशिश की है। तो आप बिल्कुल इसका प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह से कनेक्ट करने के बाद अलग अलग आप अप्लाई करके देखिए, आपको कोई भी मॉनिटर में चाहिए कोई भी पार्ट वो आप आराम से चेक कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे दोनों कंडीशन में भी देखा, एक तो मास्टर आउटपुट ऑक्सिलरी वन मॉनिटर के लिए, ऑक्सिलरी टू मॉनिटर के लिए। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे और क्लियर एक आपको विज़न मिला होगा कि इन दोनों को कैसे कंबाइन करना है। और आगे हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी लेके आने वाले हैं, तो आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। और एक सरप्राइज़ वीडियो भी आप सबके लिए बहुत जल्दी आ रहा है, तो उस वीडियो के लिए भी आप वेट कीजिए। और आगे हम एक 2000 वॉट स्पीकर अनबॉक्सिंग रिव्यू और टेस्टिंग करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों का वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन रहता है उस स्पीकर के बारे में, अगर आपको उसके बारे में कुछ आइडिया है तो आप बिल्कुल कमेंट करके हमें बिल्कुल बताएं कि वो स्पीकर कौन सा है। और आगे उस वीडियो के आने के बाद उसी स्पीकर को हम ब्रिज मोनो, जो हमारा वीडियो पेंडिंग रह गया था लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कैसे यूज़ करना है, कैसे टेस्टिंग करेंगे हम, उसके बारे में भी उसी स्पीकर के साथ हम जानेंगे। सो उस वीडियो का भी आप वेट कीजिए। और अगर इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हुआ हो, अगर आप स्टार्टर हो आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो इस वीडियो को एक दो बार आप आगे पीछे करके भी देख लीजिए। अगर आपका कहीं भी कन्फ्यूज़न रहता है तो आप बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाइए। अगर फिर भी आपका कोई भी कन्फ्यूज़न निकलता है तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताएं, मैं कोशिश करूंगा आपका वो क्वारी को सॉल्व करने के लिए। सो दोस्तों, आपने देखा दो लाइव साउंड मिक्सर को हम कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और इसका यूज़ करके हम अपना लाइव साउंड में अगर ज़्यादा इनपुट समय चाहिए तो उस कंडीशन में हम इन दोनों को कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इनको मॉनिटरिंग के लिए कैसे हम भेज सकते हैं अलग अलग लाइव साउंड मिक्सर से, एक ही लाइव साउंड मिक्सर से दोनों का मॉनिटरिंग भी हम कैसे भेज सकते हैं और इन दोनों को कनेक्ट करके हम फ्रंट ऑफ हाउस के लिए कैसे छोड़ सकते हैं, इसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल में कवर किया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिए और इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह के प्रो ऑडियो रिलेटेड टॉपिक्स कवर करते हैं। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू सून।